मैजिकल गेम्स। तो नॉर्मल 2D एंड 3D गेम्स तो आपने बहुत खेले होंगे एंड शायद अब आप इनसे बोर भी हो चुके होंगे। तो बस आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसे मैजिकल गेम्स लाया हूँ जिनमें आपको मैजिकल यूनिवर्स देखने के लिए मिलेगी, विजार्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, मैजिकल रिंग्स देखने के लिए मिलेगी, मैजिकल बुक्स देखने के लिए मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो बस इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देखना। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे है वन ऑफ द बेस्ट मैजिकल एकेडमी। तो ये एक बहुत ही फेमस गेम है एंड आपने भी शायद इस गेम को खेला ही होगा। एंड जिन लोगों ने इस गेम को अभी तक नहीं खेला है तो मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही कमाल का मैजिकल गेम है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक ओल्ड मैजिकल यूनिवर्सिटी की एंड वहीं आप रोल प्ले करते हो एक यंग बॉय का जो अपने लैंडलेडी से बहुत परेशान हो चुका है। एंड एक दिन आपके पास एक लेटर आता है जिसमें एक बहुत ही पुरानी मैजिकल यूनिवर्सिटी का इनविटेशन होता है एंड अब आप वहां पर जाने के लिए निकल जाते हो एंड आपके रास्ते में आपको बहुत से मैजिकल क्रिएचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें आपने पहली बार देखा होता है एंड अब आप वहां पर मैजिक सीखना स्टार्ट करते हो एंड यहीं से आपकी लाइफ की एक नई मैजिकल जर्नी स्टार्ट होती है। एंड स्टोरी वाइज ये गेम बिल्कुल हैरी पॉटर मूवी जैसा है जहां आपका क्लेन होता है एंड आपको उसके लिए पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं एंड हर वीक के एंड पे जिस क्लेन के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं उसे यूनिवर्सिटी से बाहर टाउन में जाने का मौका मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के ग्राफिक्स एंड सीन्स की। तो इस गेम की स्टोरी ही नहीं, इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी भी एकदम बेस्ट है एंड इसमें आपको 1080 पिक्सल वाली ग्राफिक्स क्वालिटी मिलती है। बट इस गेम की जो बेस्ट पॉइंट है वो है इसके कैरेक्टर्स एंड सीन्स, बिकॉज कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में भी ये गेम एक बेस्ट गेम है एंड इस गेम के जैसे कैरेक्टर शायद ही आपने किसी और गेम में देखे हो। नेक्स्ट सीन्स की बात करें तो इस गेम के सीन्स आपको फुल HD रिजोल्यूशन, क्लियर 3D एनिमेशन एंड 60 FPS की रेंडर क्वालिटी के साथ मिलते हैं एंड सीन्स में आपको ऑडियो भी मिल जाता है। एंड आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि भाई कोई ऐसा गेम बताओ जो ओपन वर्ल्ड हो एंड उसके सीन्स में साउंड भी हो। तो बस ये गेम आपके लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के साइज की। तो ये गेम एंड्रॉइड और विंडो दोनों के लिए ही अवेलेबल है एंड इसके दोनों ही सीजन्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट नंबर 2 पे है द स्पेल बुक। क्रिएट किया है नॉटी गेम्स ने। तो फर्स्ट बात करते हैं गेम की स्टोरी की। तो इस गेम में स्टोरी दिखाई गई है एक मैजिकल बुक की एंड वहीं आप रोल प्ले करते हो एक कॉलेज स्टूडेंट का एंड आप अपनी लैंड लेडी के साथ रहते हो एंड एक दिन आप अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में होते हो एंड वहीं आपको एक ओल्ड बुक मिलती है जो कि एक मैजिकल बुक होती है एंड एक रात में आप अपने लैंड लेडी पे उस बुक के कुछ मैजिकल वर्ड्स का यूज करते हो एंड नेक्स्ट डे जब आप अपने फ्रेंड्स एंड अपने लैंड लेडी के साथ एक ट्रिप के लिए जाते हो तब आपको आपकी लैंड लेडी के बिहेवियर में चेंजेस दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं एंड उस ट्रिप पे आपके साथ एंड आपके दोस्तों के साथ कुछ ऐसा होता है जो आपने कभी नहीं सोचा होता एंड इन सब का कारण वो मैजिकल बुक होती है। एंड जब आप वापस आते हो तब आपके साथ रहने के लिए आपकी रूममेट एंड आपकी गर्लफ्रेंड भी आप ही के घर पर आ जाती है एंड अब आप भी उस मैजिकल बुक से सबके माइंड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो एंड इस गेम में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो इस गेम को एक बेस्ट मैजिकल गेम बना देता है। लाइक इसमें आपको एक डेविल देखने के लिए मिलेगी, एक एंजल देखने के लिए मिलेगी, मैजिकल यूनिवर्स देखने के लिए मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। एंड इस गेम में आपके पास दो रूट्स होंगे, एक लव रूट एंड एक डार्क रूट एंड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डार्क रूट को ही चूज करना एंड इससे आपको बहुत सारे ऑफिस सीन्स, ग्रुप सीन्स एंड चीटिंग सीन्स भी देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के ग्राफिक्स एंड सीन्स की। तो इस गेम की स्टोरी, ग्राफिक्स एंड सीन्स तीनों ही टॉप क्लास के हैं। ग्राफिक्स की बात करूं तो इसमें भी आपको हाई ग्राफिक्स क्वालिटी ही देखने के लिए मिलती है बट स्टार्टिंग के ग्राफिक्स थोड़े लो है बट आगे वो भी ठीक हो जाते हैं। एंड बात करें गेम के सीन्स की तो इस गेम के सीन्स भी आपको फुल HD रिजोल्यूशन एंड क्लियर 3D एनिमेशन के साथ मिलते हैं, बस सीन्स में आपको ऑडियो नहीं मिलता एंड इसी वजह से ये गेम नंबर 2 पे है वरना ये गेम नंबर 1 पे होती।
नेक्स्ट बात करते हैं गेम के साइज एंड अवेलेबिलिटी की। तो वैसे तो ऑफिशियली ये गेम ओनली विंडो के लिए ही अवेलेबल है, बट मैं आप लोगों के लिए इसका एंड्रॉइड मोड भी लेकर आया हूँ। एंड इस मोड का साइज है 1.25 MB एंड विंडो के लिए इस गेम का साइज है 5.64 GB। एंड इस गेम के सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। नेक्स्ट नंबर 3 पे है पावर वैक्यूम। क्रिएट किया है व्हाट बाय गेम्स ने। तो फर्स्ट बात करते गेम की स्टोरी की। तो इस गेम में आप रोल प्ले करते हो एक 19-year-old बॉय का, जो पूरे 4 साल के बाद वापस अपने घर लौटा है। एंड आप बचपन में ही अपने घर से भाग गए थे अपने वार्डन की वजह से, एंड अब वो मर चुका है। एंड इसलिए आप वापस आप अपने घर आते हो। एंड आपके साथ आपके घर में आपकी मॉम एंड आपकी दो सिस्टर्स होती है। एंड एक दिन आपकी मॉम आपको आपके न्यू वार्डन से मिलवाती है, जिसे आपने बचपन में ही देखा था। एंड अब आपको उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। एंड अब आप उस पे नजर रखना स्टार्ट कर देते हो। एंड एक दिन आपको पता चलता है ये वार्डन बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड वो ओनली आपकी फैमिली का फायदा उठाना चाहता है अपनी मैजिकल पावर्स के लिए। तो कैसे अब आप आपकी फैमिली को बचाते हो एंड कैसे आप उस कल्ट को रोकते हो, ये आगे आप इस गेम में देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के ग्राफिक्स एंड सीन्स की। तो इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी भी अच्छी है, बट कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा डार्क है। एंड इस गेम के सीन्स भी अच्छे है। एंड ये सभी सीन्स आपको HD क्वालिटी एंड 3D एनिमेशन के साथ मिलते हैं, बट सीन्स में आपको ऑडियो नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के साइज की। तो ये गेम भी एंड्रॉइड और विंडो दोनों के लिए ही अवेलेबल है। एंड इसके सभी चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 4 पे है रिंग ऑफ मैजिक। क्रिएट किया है वोटन क्रिएटर्स ने। तो फर्स्ट बात करते गेम की स्टोरी की। तो इस गेम में स्टोरी दिखाई गई है एक मैजिकल रिंग की। एंड वहीं आप रोल प्ले करते हो एक यंग बॉय बिल का। एंड आपके फादर की डेथ के बाद आप रिसेंटली अपनी स्टेप मॉम के घर पर शिफ्ट हुए हो, जहां आपके साथ आपकी स्टेप सिस्टर एंड आपकी अंट भी होती है। एंड एक रात में आपको एक एंजल दिखाई देती है, जो आपको एक रिंग देती है। एंड इस रिंग से आप किसी के भी माइंड को रीड कर सकते हो, किसी के भी डिजायर्स को जान सकते हो एंड किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। एंड एक और बात, ये गेम एक ओपन वर्ल्ड गेम है। एंड इसी वजह से इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस मिलेगी। एंड इसमें आपको टोटल 9 गर्ल्स मिलने वाली है सीन्स करने के लिए। तो कैसे अब आप इन गर्ल्स पे इस मैजिकल रिंग का यूज करते हो, ये आगे आप इस गेम में देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के ग्राफिक्स एंड सीन्स की। तो इस गेम की स्टोरी बेस्ट है, ग्राफिक्स भी ठीक ठाक है, बट ग्राफिक्स और भी ज्यादा अच्छे हो सकते थे। नेक्स्ट गेम के कैरेक्टर्स। इस गेम के सभी कैरेक्टर्स की बॉडी शेप भी बहुत ही हैवी है, जो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। एंड इस गेम के सीन्स भी टॉप क्वालिटी के हैं। एंड सभी सीन्स आपको HD क्वालिटी एंड 3D एनिमेशन के साथ मिल जाते हैं, बट सीन्स में आपको साउंड नहीं मिलता। बट इसके अलावा ये गेम भी एक बेस्ट गेम है। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के साइज की। तो ये गेम भी एंड्रॉइड और विंडो दोनों के लिए ही अवेलेबल है। एंड्रॉइड के लिए गेम का साइज है 1.19 GB एंड विंडो के लिए गेम का साइज है 4.55 GB। एंड अगर आपने इस गेम को अभी तक नहीं खेला है तो एक बार आप इस गेम को जरूर खेलना। नंबर 5 पे है एटेजिना। क्रिएट किया है कथलियम गेम्स ने। तो फर्स्ट बात करते गेम की स्टोरी की। तो इस गेम में स्टोरी दिखाई गई है एक मैजिकल यूनिवर्स की। एंड गेम की शुरुआत होती है एक जंग से, जहां आपके डैड को मार दिया गया है एंड आपकी मॉम एंड सिस्टर को पकड़ लिया गया है। एंड इन सब की वजह से आप बेहोश हो जाते हो। एंड जब आप होश में आते हो तब आप एक क्वीन के सामने एक ओल्ड मैजिकल स्कूल में होते हो। एंड अब आप वहीं पे मैजिक सीखना स्टार्ट करते हो। एंड एक दिन आपको आपकी यूनिवर्स की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड वहां रह रहे क्रिएचर्स के बारे में पता चलता है। एंड इसके साथ ही आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में पता लगता है, जहां से आज तक कोई भी वापस लौट कर नहीं आया है। एंड इसकी वजह है वहां की एक जादूगरनी। एंड अब आपको उससे लड़ना है। एंड इसके लिए आपको आपकी मैजिकल पावर्स एंड स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा। एंड एक और बात, मैं कह सकता हूं आपने बहुत से गेम खेले होंगे, बट ये गेम बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिकॉज इसमें आपको विचेस मिलने वाली है, एंजल देखने के लिए मिलने वाली है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स, डीमंस, ड्रैगन्स, एल्फ, विजार्ड्स एंड और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। एंड सच में यार, इस गेम में बहुत सारे कैरेक्टर्स है सीन्स करने के लिए। नेक्स्ट बात करते गेम के ग्राफिक्स एंड सीन्स की। तो इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी तो नॉर्मल है, ना ही ज्यादा हाई है ना ही ज्यादा लो। एंड बात करें गेम के सीन्स की,
तो सीन्स की क्वालिटी भी ठीक ठाक है एंड इस गेम में भी आपको 3D एनिमेटेड सीन्स ही मिलते हैं। बट सीन्स और भी ज्यादा अच्छे हो सकते थे, बट कोई नहीं, इस गेम की स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट दोनों ही बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के साइज की, तो ये गेम भी एंड्रॉइड एंड विंडो दोनों के लिए ही अवेलेबल है एंड इसके दोनों ही सीजन्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाला मैजिकल गेम खेलना है तो ये गेम आपके लिए है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही एंड कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए एंड अगर मुझे टॉपिक पसंद आया तो मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।